हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सलमान खान, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग ये है कि आज है जुम्मा, तो मुबारक, तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग अब प्रिपरेशन कर तो लिए, मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए, मैं नमाज़ के लिए, टाइम बहुत शॉर्ट है तो हम लोग पहले नमाज के लिए चलते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के आने के बाद जो सीन है, मतलब कहीं जाने का, तो मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं नमाज़ के लिए, लेट्स गो। मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ और यहाँ पे मोहल्ले में बच्चे हैं, जो स्ट्रीट में बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। वो भी मैंने देखा था यहाँ पे, भी ये देखें, ये बॉलिंग करवाते हुए और इसने बच्चे को वाइट बॉल कराई है। ये मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे और शोर शराबा करते हुए, सबको तंग करते हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि क्रिकेट खेली बच्चों ने, और मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना है कहीं, तो मैंने जाना है दादो की तरफ टाउनशिप, तो वहाँ चलते हैं। और मैंने जाना है अम्मा की कब्र पे भी, तो वहाँ चलते हैं। दुआ फातिहा वगैरह जो पढ़नी है, ठीक है, वहाँ चलते हैं। तो लेट्स गो। सो गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी बाइक को रेडी करता हूँ और फिर निकलते हैं अम्मा की तरफ। तो मेरी बाइक, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी बाइक खड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत हुई, सफाई होने वाली है। इसको पहले मैं इसको साफ करता हूँ, नेट करके फिर बाहर निकाल के फिर निकलेंगे। पेट्रोल पम्प आ चुका हूँ, पेट्रोल डलवाने, और यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा मुझे। और मैंने पेट्रोल फिल करवाना था अपनी बाइक में, और क्योंकि मेरे को पेट्रोल थोड़ा कम लगा है मुझे, तो मैं कहीं ये ना हो रास्ते में कहीं ख़त्म हो गया, तो अभी पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल मैं भी फील रिफिल हो गया, मैंने पेट्रोल डलवा लिया हुआ है, अब निकलते हैं रास्ते के लिए वापस। तो अभी फ्लैट को फाइनली मैं दादो की तरफ आ चुका हूँ, और जैसा कि मैंने बताया था हिबा को लेने आना था, तो बस अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे सामने हुमायूं खान बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक हमजा है जो सीटियाँ मारा, वो सुन ली होगी आप लोगों ने, तो मैं हुमायूं से मिलवाता हूँ। हेलो, कैसी हो हुमायूं? जुमा पढ़ने गए थे आज? किसके साथ? उमर भाई के। और बाबा कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। और आपने जानवर लिया, कौन सा लिया? ब्राउन कलर का भेड़ा लिया। ब्राउन कलर का लिया, अच्छा, कितने का? 160 का, मतलब 1,60,000 रुपीस का लिया। तो ये मेरा भांजा भी है और क्यूट सा हुमायूं भी है ये, ठीक है। तो गाइस, हम चलते हैं कब्रिस्तान, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे जाना है, तो लेट्स गो। सबके प्यारे यहाँ पे आए हुए हैं, अल्लाह पाक सबको जन्नत में फिर से अल्लाह की बात है। मैं अम्मा की कब्र से हो आया हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था मैं थोड़ा सा, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा मैं ब्लॉग नहीं बना सका, थोड़ा बहुत जो था। तो अभी खाना खा के ना फिर हिबा को लेके फिर हम घर जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ सिंधी बिरयानी बन रही है, क्योंकि सिंधी बिरयानी में आलू लाजमी होते, तो मुझे लगेंगे। तो साथ साथ इसके साथ साथ ना, तो ये कबाब का मिक्सचर इन्होंने तैयार कर लिया हुआ है, तो कबाब बनेंगे, तो आप लोगों को खाते वक्त दिखाएंगे, ठीक है जी। गाइस, ये आयशा भी जो है ना, वो टिक्कियाँ बना रही है, लेकिन इनकी शेप टिक्कियों की, पहली दफ़ा कोई गाँव में जग गया आयशा, टिक्कियों की शेप अच्छी बन रही है, मे भी टेस्ट भी अच्छी होगा, तो ये खाते वक्त आपको दिखाएंगे। सो गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और तारा मोमोज लेके आया था, वो भी दिखाते हैं मोमोज भी। मोमोज आप देख के बताइएगा कैसे। और दिस इज मोमोज, ये कमाल के हैं, ये तारा साहब लेके आए हैं, ठीक है। और इसकी चटनी जो सेपरेट रखनी है हमने, ठीक है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, और कैसे आपको वो आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि ये आपको खाना चाहिए नहीं करने, और बाकी इस चीज़ को भी देखें। चलिए हम खाना खाते हैं, देन आपको मिलते हैं खाने के बाद। हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ है, तो अब मैंने हिबा को कह के चलते हैं घर, तो अब जाने का टाइम भी हो गया और 8 बज चुके हैं, तो अब घर चलते हैं। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं तो ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।